यजीद के तुफैल में तमाम मुसलमान की परेशानी को दूर करे और खास तौर पर फ़िलिस्तीन में जो जुल्म सितम हो रहा है अल्लाह उनकी हिफाज़त फरमाए। नाज़िर डेली मैटर की तरफ सईद की बात मुबारकबाद। और तो अभी हम लोग निकल रहे हैं मार्केट के लिए, कुछ कुछ सामान लेना है और देखते हैं जो भी करते हैं आपके साथ फ्रेंड्स। ये देखिए ये पहनने वाली हूँ और ये रहा, मैचिंग तो नहीं है बट अस्सलाम वालेकुम। सो अभी मैं रेडी हो गई हूँ और जा रही हूँ सबसे की तरफ से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक, दुआ में याद रखें। और ये गाड़ी मेरा खराब था जनाब, के जो कज़न लोग हैं वो चले गए जनाब, मिस कर रहे बहुत, और जो गेम खेलते थे पिछले 2 दिनों से कैसे खून पकड़े बहुत प्यारा लग रहा है। शॉर्ट सर्किट हो गया और यहाँ पर तो ये आ गया मेरा ईडी। और आपकी तरफ से हाय फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नाज़िर डेली रिमाइंडर्स। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, आप सबकी दुआ मैं खैरियत से, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे लग चुका है पूड़ी सब्जी और जलेबी। और एक बात इंटरेस्टिंग पता है क्या हुआ कि होटल में जब लेने के लिए ना वो बोल रहे हैं कि आपको जितना खाना है खा लीजिए, क्योंकि ये अब 2 हफ्ते का छुट्टी है, क्योंकि सारे वर्क लोग ईद पे घर जा रहे हैं ना, तो 2 हफ्ते की छुट्टी के लिए सब। One hour later. और ये गाड़ी मेरा ख़राब था क्योंकि गाड़ी अभी बनने वाला है। वैसे गाड़ी बनवाने में टाइम तो काफ़ी ही लगता है, लेकिन फिर भी करवाना है क्योंकि आज छुट्टी भी है और ऊपर से कुछ कुछ काम था जो कि अर्जेंट करवाना था, तो स्कूटी में भी हो रहा है। 2 hours later. अभी मैं जोहर की नमाज़ पढ़ी हूँ और जनाब जो है वो अभी तक नहीं आए, मॉर्निंग में गया, कितना टाइम लग रहा है पता नहीं गाड़ी बनवाने। और ये जनाब तब कैप्चर किए थे जब स्कूल के जो स्टूडेंट लोग हैं यहाँ से क्रॉस कर रहे थे, जब जनाब गाड़ी बनवा रहे थे, क्योंकि आज जो झारखंड के सीएम है वो आने वाले थे हमारे शहर गांधी मैदान में। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी मैं बैठी हूँ मेहंदी लगाने के लिए, तो देखती हूँ कौन सा डिज़ाइन इसमें से समझ में आता है, लगाती हूँ। तो अभी बिस्मिल्लाह कर रही हूँ, जो भी लगाती हूँ आपको दिखाती हूँ फाइनल। तो जो मेरे पुराने व्यूवर्स उन्हें पता है कि मेरी मेहंदी उतनी अच्छी नहीं है, बट जो नए उनके लिए बता दूँ। मैं तो इफ्तार नहीं करी क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ने चली गई थी और ये मेरा तरबूज इफ्तार के बाद था, बहुत सारा कुछ। और यहाँ पर देखिए जनाब बैठे हुए इफ्तार में शामिल होकर आए हैं, इफ्तार करके नहीं आए। क्या हुआ, क्या क्या खाया इफ्तार में? हाँ इनका हो गया हालत ख़राब, बिन रोज़ा रखे इन्हें रोज़ा लग गया। छोड़ी हटाइए मैं अपना करती हूँ जब तक। A few moments later. हेलो फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम। सो आज है, वैसे तो ईद के पहले वाले जो शाम होती है रात होती है उसे चांद रात कहते हैं, क्योंकि ईद उल अज़हा का चांद जो है वो पहले ही दिख चुका है। और आज है 10वीं तारीख और कल सुबह ईद उल अज़हा है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं मार्केट के लिए, कुछ कुछ सामान लेना है और देखते हैं जो भी करते हैं आपके साथ फ्रेंड्स। और ये देखिए मैं मेहंदी लगाई थी, मैं उस टाइम आपको दिखाई नहीं, और अभी मेरे एक हाथ में बाकी है तो मैं वो रात में आकर लगाऊंगी, पैर में भी कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स अभी निकलती हूँ, फ्रेंड्स जो भी करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ, वीडियो में बने रहे। जैसे कि गर्मी का मौसम है, लाइट और पानी बहुत ज़्यादा यहाँ प्रॉब्लम कर रही है, और आज भी पानी कम आई थी तो अभी शाम में और भी ज़्यादा काम था, बच्चों का मन भी था कि देरी दरबार का बिरयानी खाए, तभी हम लोग आ गए थे लेने के लिए पार्सल, मुझे गर्मी लग रही थी तो मैं अंदर आकर बैठ गई। पार्सल हमारा हो गया था, उसके बाद हम आ गए 2 नंबर आज़ाद बस्ती मार्केट, जहाँ से हमें लेना था टोपी सुरमा अतर, तो यहाँ जनाब पसंद कर रहे थे और ये सब टोपी मुझे अच्छी लग रही है लेकिन काफ़ी महंगा है, तो जनाब बोले कोई नहीं सिंपल सा ले लेते हैं, और सभी का साइज़ समझ में भी नहीं आ रहा था इसलिए सबको मैचिंग करना था तो सेम टू सेम ले लिए। और असल तो यहाँ और पुरैया रोड में ही समझ में आती है, बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, जैसे जैसे साक्षी मार्गों में जाएंगे तो भीड़ थोड़ा कम लगेगा, लेकिन यहाँ पर माशाल्लाह बहुत रौनक रहती है। और अभी हम लोग आ गए, अलबैत क्यों आए ये मैं आपको बताती हूँ घर जाकर। सो ये देखकर आप समझ ही गए होंगे बिरयानी जो है वो 2 जगह से पार्सल होता है, अलबैग और दिल्ली दरबार से, क्योंकि सभी को अलग अलग जगह का। सो हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ गए हैं और रात काफ़ी हो गई, वैसे तो हमारा बहुत सारा प्लान था कि आज रात भर मतलब ज़्यादा देर तक मेहंदी लगानी है और बहुत कुछ करना है, बट वहाँ से हम लोग मैं जनाब के साथ गई थी, वहाँ से आई फिर खाना,
खाए, और उसके बाद हमारा अचानक से प्लान हुआ कि अभी क्यों ना लॉन्ग ड्राइव पे अंकल के साथ सारी लेडीज़ जो है और लड़कियां हम लोग जाए बाहर घूमने के लिए, तो और आइसक्रीम भी वापसी में खाते आए। तो अभी हम लोग आ गए बिष्टुपुर से, काफ़ी टाइम हो गया है, तो आज तो पॉसिबल नहीं है अभी मेहंदी लगाना क्योंकि सुबह में मॉर्निंग में जल्दी ही उठना है, तो आज तो नहीं लगाई। अब देखती हूँ कल दिन में जो होता है वो करती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो अभी मैं उठ गई हूँ और देखती है ये मैं अपने अलार्म से पहले उठ गई हूँ, अभी जा रही हूँ सबसे पहले फर्स्ट। तो यहाँ पर मैं बेड शीट और ड्रेस वगैरह निकाल के रखी हूँ, तो सबसे पहले मैं अभी सूर्य यासीन पढ़ लेती हूँ, उसके बाद आगे का जो काम होगा वो कर। सो हमेशा की तरह यहाँ पर परफेक्ट तरह से शूट करने की हम कोशिश कर रहे हैं जनाब का ड्रेस निकाल कर। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? आप सभी को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। तो हाँ, ईद आ चुकी है और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस ईद के तोहफ़ेल में तमाम मुसलमान की परेशानी को दूर करे और ख़ास तौर पर फ़िलिस्तीन में जो जुल्म सितम हो रहा है अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए और सभी के लिए ईद खैर बरकत हो। और आप सभी को नाज़िर रिमाइंडर की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, साहब सभी को नाज़िर डेली रिमाइंडर्स की तरफ से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक, दुआओं में याद रखिए। हेलो फ्रेंड्स, अभी चले गए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए और अब मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए, तो मैं दिखाती हूँ अभी जब तक घर जो है वो सेट कर रही हूँ। तो ये आ गई मैं अपने रूम में, तो अभी जनाब चले गए और मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपना आज का आउटफिट। सो ये रहा मेरा आज का आउटफिट, तो मैं अभी ये पहनने वाली हूँ, और ये रहा मैचिंग का नहीं है बट लाइट कलर का है, तो मैं इसमें ये मल्टी कलर वाला पहन ले रही हूँ बैंगल्स। हेलो अस्सलाम वालेकुम, सो अभी मैं रेडी हो गई हूँ और जा रही हूँ शुक्राना नमाज अदा कर लेती हूँ, और लोग तब तक जनाब लोग भी आ जाएंगे नमाज़ पढ़ के, तो मैं अभी पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ नफिल। सो ये देखिए यहाँ पर सवई जिसे अम्मी लोग कहती है मुजाफर, वो रेडी है, और ये कुछ चिकन क्योंकि कुर्बानी होने में वक्त है और अभी सभी आएंगे तो किसी किसी को खाना होगा तो वो खाएंगे, और यहाँ पर पूड़ी का आटा वो भी गुना के रखा गया है। मैं हो गई हूँ रेडी और अभी मैं थोड़ा सा बिल्कुल लाइट सा मेकअप कर लेती हूँ घर में नॉर्मली, और उसके बाद यहाँ पर ला के रखी एक रहा बस मैं मेहंदी क्योंकि रात में काफ़ी टाइम हो गया था हमारा खेलते खेलते, तो हम लोग लगा नहीं पाए थे तो अभी लगाएंगे फ्री होकर। यहाँ पर लग रही है मेहंदी जो कि मेहंदी आर्टिस्ट है प्लस डॉक्टर है प्लस इंजीनियर है प्लस टीचर है और क्या है, इंसान इंसान है, अच्छा इंसान, अच्छा इंसान। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? लगवा रही है वो कौन है? वो एक चम्मू सी औरत है, गजब बेइज्जती है। उसको मैंने बुलाई है बैठ जी। और इधर देखिए हम लोग बकरीद के दिन खा रहे हैं, यहाँ पर क्या खा रहे दिख ही नहीं रहा क्या खा रहे, ऐसा कैसा हो गया, लाइटिंग खराब इतना महंगा। 4 hours later मेहंदी लगने लगाने का प्रोग्राम तो हो रहा था, हमारा बीच में कुछ भी काम नहीं था, तो हम सभी सो गए थे थोड़ा थोड़ी देर, और सारे जेंट्स लोग परेशान थे, और ये देखिए जनाब जो है कुर्बानी के बाद आए थे और वो तब तक भूखे थे और मुझे देखकर काफ़ी मजा आ रहा था, काफ़ी थके हुए थे वो। सो भी बहुत काम लगभग हो गया है, मम्मी लोग यहाँ पर देखिए कुछ कुछ जो अभी रखा हुआ है तकसीम होने के लिए। इतना का फोन पकड़ा आ जाए इतना देर तक आप धीरे 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 कर रहे, अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, बोल क्यों रही हो उस वीडियो में, कैसा है कौन सिर्फ पकड़े भाभी बहुत प्यारा लग रहा है, आप लगाइएगा
तो आप लगा सकेंगे? क्यों नहीं लगा सकेंगे? The next day. फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम। सो आज है ईद उल अज़हा का दूसरा दिन और कल रात में अचानक से पता नहीं, मैं तो गई हुई थी शाम में बाहर सभी के साथ, शॉर्ट सर्किट हो गया और यहाँ पर रात भर ऐसी चली नहीं है। तो जनाब अभी इसमें जो कुछ भी लगना था वो लेकर आया, क्योंकि रात में दुकान बंद हो चुकी थी तो अभी बना रहे। कितना टाइम लगेगा इधर? मेरी मेहंदी। तो ये देखिए, शुक्र अल्लाह यहाँ पर ये हो गया था ख़राब, तो बंद भी गया है और अल्हम्दुलिल्लाह कूल भी कर रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। देखिए दोपहर के कितने बज रहे हैं। ये है सिर्फ नमक में बना हुआ गोश्त है, ये काफ़ी सभी को पसंद है। और ये मुठिया जैसे गोली कबाब कहते हैं वो भी, और ये मसाले वाला गोश्त है। तो ये आ गया मेरा ईदी, और आपकी तरफ से? मेरी तरफ से, हम तो ये सोच रहे थे वो मेरी ईदी आपकी तरफ से। जो मुझे सोच रहे आप इसको लेना है वापस ख्वाब में, अब आपको मिलेगा। सो आज है सेकंड डे और जनाब की जो कज़न लोग हैं वो चले गए, जनाब मिस कर रहे बहुत। और जो गेम खेलते थे पिछले दो दिनों से वो अभी अकेले में वो प्रैक्टिस कर रहे, पता नहीं क्यों। कौन सा? दम श्राद्ध क्या है वो? वही है ना कि एक्ट करने वाला है, आपको गेस करना कि सामने वाला क्या कह रहा है। अच्छा ठीक है, आप कौन सा क्वेश्चन करने वाले, पूछे दिखाइए। हाँ ठीक है, बता रहे। देखिए कुछ गोश्त है जो कि अम्मी निकाली हुई है मुठिया और कबाब बनाने के लिए। तो और यहाँ पर मैं जब तक प्याज और मिर्च कट कर लेती हूँ। देखिए आज हुई थी बारिश मॉर्निंग में, अभी मौसम फिर से धूप है। तो अभी मैं शाम में खाने जा रही हूँ लच्छा दूध। सो हेलो फ्रेंड्स, आज है नेक्स्ट डे और कल मैं व्लॉग को एंड करी नहीं, आज कंटिन्यू रहा। कल उतना ज़्यादा कुछ शूट ही नहीं करी क्योंकि कल वहाँ तक तो ठीक था थोड़ा, हम लोग लेडीज़ का तो उस टाइम तक कुछ काम ही नहीं था, सब जेंट्स कुर्बानी में बिजी हो गए। उसके बाद गोश्त आया, उसके बाद तकसीम वगैरह करने में सब चले गए, और उसके बाद जो सोए थे काफ़ी लेट से उठे हम लोग। और फिर शाम में हमारा प्रोग्राम हुआ कि घर पर भी काफ़ी गेस्ट लोग आए हुए थे और फिर हमें भी जाना था घर, अम्मी से वहाँ मुलाकात करनी थी। और फिर उसके बाद यहाँ से भी अम्मी लोग गई हुई थी, तो काफ़ी कुछ हो गया और इतना ज़्यादा हो गया कि मतलब जैसे कि आप जानते हैं कि ईद उल अज़हा के दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कुछ शूट करने का। और मतलब था कि अब वो लोग आज लास्ट है जा रहे तो इन्जॉय करना है, करने का मौका ही नहीं। तो फिर मैं कुछ ऐसा कुछ शूट भी नहीं कर पाई, थोड़ा बिजी हो गई थी। और आज चली गई हैं सभी, थोड़ा खाली लग रहा, थोड़ा क्या बहुत ही खाली लग रहा है क्योंकि ननंद होना भी बहुत ज़रूरी है घर में। और सो ये है मेरे ब्लॉग जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूले। तो आम याद रखिए और इंशाल्लाह जल्द मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।